नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों से। यात्रा करने से बचे कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को किया बरी, 1984 से दंगे से जुड़ा है मामला। सपा सांसद डिंपल यादव ने खिला अल्पसंख्यक दाव, मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल। आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चुटकाने वाले गेंदबाज टॉपर कंगारू बॉलर का राज, मलिंगा भी लिस्ट में शामिल। आतंकियों के साथ गैंगस्टरों का भी पनाहगार बना कनाडा, पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश। मिड डे मील का दूध पीने से 20 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। अयोध्या बम ब्लास्ट के अभियुक्तों की सशर्त जमानत मंजूर, आतंकी हमले के षड्यंत्र में 18 साल से भुगत रही सजा। स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की क्यों उठी मांग, एक्सपर्ट ट्रेंड हुआ अरेस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी, तुम्हें नहीं मानती पति, पत्नी की क्रूरता पर कोर्ट ने बरकरार रखा तलाक। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, नई दिल्ली से कटरा के लिए चलेंगी 2 विशेष ट्रेनें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।